हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो वैसे तो मैं मेरे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो यूनिवर्सिटी सिलेबस से ही होते हैं, ठीक है। इस बार मैं बियॉन्ड सिलेबस कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको उसके बेसिक्स के लिए, ठीक है, बेसिक्स के लिए ऐप बनाऊँगा, ठीक है। तो उसमें मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको कि एक्सएमएल क्या होता है, फ्रंट एंड में कैसे हम कोडिंग करते हैं और बैक एंड में हम कैसे कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए हम एक्सएमएल यूज़ करेंगे और बैक एंड के लिए हम जो है दो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, एक तो होती है जावा, दूसरी होती है कॉटलिन। तो हम लोग कॉटलिन यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हम ऐप बनाने वाले हैं वो सुपर हीरोज़ के लिए ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है। उसकी एक साइड में हम इमेज रखेंगे और एक डमी इमेज लेंगे हम, उसके बाद उसका प्रोडक्शन हाउस डालेंगे, ठीक है, और उसका सुपर हीरो का नाम डालेंगे, ठीक है। तो मैं ऐप खोल के आपको बता देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ दी ऐप सुपर हीरोज़। फर्स्ट जो आएंगी उसमें सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन आएगी, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन में हम डालेंगे सबसे पहले हमारी आईडी। तो आईडी है, इसमें मैंने सेट किया है 01234। ओके, उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमारे पास दो है, दो पासवर्ड डाल सकते हैं हम। दो प्रोडक्शन हाउस के हमने सुपर हीरोज़ लिए, ठीक है, एक डीसी के और एक मार्वल के। तो अगर मैं मार्वल डालूँ पासवर्ड, ठीक है, मार्वल अगर डालूँ, फिर अगर इसको मैं लॉगिन करूँ तो ये लॉगिन होकर इस वाली स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। इस वाली स्क्रीन पर आने के बाद हमको बहुत सारी इसमें मतलब प्रोफाइल टाइप एक छोटे छोटे एलिमेंट दिख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद आयरन मैन की प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद, ठीक है। तो इस प्रोफाइल पिक्चर के बारे में यहाँ पर जो है तो हमने थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। सबसे पहले हमने दिया है उसका नाम, उसके बाद फिर उसका ईमेल एड्रेस है, डमी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद फिर एक उसकी उसके बाद जो एक टेक्स्ट व्यू है उसमें हमने दिया है उसका प्रोडक्शन हाउस। ओके, तो ऐसा हम लोग ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक और जो हमारे पास पासवर्ड है दूसरा, तो उसमें पासवर्ड जो वेरिएशन मैंने रखा है, ठीक है, तो उसमें असल में होता यह है, ये हो गई हमारी आईडी, और अगर मैं पासवर्ड अभी डीसी डालूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करूँगा तो ऊपर जो आप ऐप बार देख रहे हैं सबसे ऊपर साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो टाइटल आ रहा है वो अभी डीसी आ रहा है, क्योंकि मैंने डीसी पासवर्ड यूज़ करके मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको डबल से बंद फिर से चालू अगर करूँ, अगर मैं इस बार 2 3 4, ओके, और उसके बाद अगर मैं इस बार पासवर्ड डालूँ मार्वल, ओके, तो अगर मैं अभी लॉगिन करूँगा तो अभी देखो जो ऊपर का जो ऐप बार है, ओके, तो उसमें जो टाइटल आ रहा है वो मार्वल आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, और बस इसके तीन पार्ट बनेंगे इस वाले वीडियो के। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम मेन स्क्रीन बनाना सीखेंगे, जहाँ पे हम इमेजेस रख रहे हैं उसके बाजू में उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। ओके, सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हम लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम डेकोरेशंस वाली चीज़ें, जैसे कि जो इमेजेस है उसको सर्क्यूलर कैसे करना है, फॉन्ट कैसे बदलना है, ओके, और जो भी हमारी चीज़ें उस वीडियो में ध्यान आती जाएगी, ठीक है, हम वो बनाते जाएंगे। सो अभी हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। Okay, so let's start with the opening up the Android Studio. Okay, so मैं आपको Android Studio कैसे इंस्टॉल करना है, Kotlin कैसे इंस्टॉल करना है ये तो नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको hundreds of videos YouTube पर मिल जाएगी उसके, और फिर भी अगर कोई आपको डिफिकल्टी हो रही है या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको मतलब फंक्शनैलिटी पूरी हो नहीं रही है, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को आप डायरेक्टली मैसेज करो Instagram पे या फिर LinkedIn पे, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको आपके जो भी कंफ्यूजन होगा वो आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहां से हमको सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, मैं जो एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है 3.5.3। ओके, सो हमको नया प्रोजेक्ट बनाना है, ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो नया जो प्रोजेक्ट बनाना है मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे देखो डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई है, ठीक है। ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें एक फैब बटन है, ओके, ये वाली जो एक्टिविटी है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, जैसा कि आपने देखा होगा
इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बेस्ट एग्जांपल है इसकी। नीचे से एक सर्च बार रहता है, एक होम पेज रहता है, ठीक है, एक अकाउंट वाला पेज रहता है, ठीक है। तो वैसे इसमें नीचे वाली, नीचे से जो नेविगेशन के ऑप्शन आते हैं वो ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद साइड से जो ड्रॉवर खुलता है हमारा, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका उबर, उबर में, ओके, या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट, उसमें जो साइड से जो ड्रॉवर खुलता है, अगर वैसा हमको ऐप बनाना है, ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी है फुल स्क्रीन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब। अगर जब हम वीडियो जब मतलब जब पोर्ट्रेट मोड में हम देखते हैं तो हमको एक छोटी सी ऊपर वीडियो चलती है, ठीक है, और अगर हमको फुल स्क्रीन करनी होती है, ठीक है, तो फुल स्क्रीन में अगर हमको वीडियो चलानी है तो ये वाली एक्टिविटी हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैप्स वाली एक्टिविटी है, ओके, लॉग इन और साइन अप वाली एक्टिविटी ये है। उसके बाद जो व्हाट्सएप यूज करता है, व्हाट्सएप जो स्क्रीन यूज करता है, ठीक है, उसमें तीन फ्रेगमेंट होते हैं। सबसे पहला ये वाली एक्टिविटी होती है, सबसे पहले हमारे चैट्स होते हैं, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद कॉल्स, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी यूज करता है व्हाट्सएप। तो हमको अब ये यूज करना है, यहाँ पे हम सिंपल हम सुपर हीरोज वाला ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो हमको एम्प्टी एक्टिविटी यूज करना है। एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक किए, उसके बाद फिर नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमको एप्लीकेशन का जो नाम रखना है वो लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम इसका माई एप्लीकेशन से चेंज कर देता हूँ सुपर हीरोज, ओके, सुपर हीरोज मैंने इसका एप्लीकेशन का नाम रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्टेड है। लैंग्वेज यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कॉटलिन, ना कि जावा, हम कॉटलिन में कोड करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कॉटलिन की, ठीक है। आपको अगर अलग से भी सीखना है तो अलग से आप सीखो, सबसे पहली बात तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। जावा या सी प्लस प्लस की आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आप कॉटलिन में कोड कर सकते हो आसानी से, या फिर पाइथन की भी नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमको यहाँ से मिनिमम एपीआई लेवल सिलेक्ट करना है, यानी सबसे कम वर्जन में, सबसे कम वर्जन कौन सा होना चाहिए मतलब हमारे एंड्रॉइड का, जिसमें हमारी ऐप चल सके। तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है 4.4 किटकैट, ओके, तो आपको भी यही सिलेक्ट करना है ताकि हमारा जो ऐप है वो 98% ऑफ डिवाइसेस में चल सके, ठीक है। अगर मैं ज्यादा ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मार्शमेलो, ठीक है, तो 84 डिवाइसेज ही है जो मार्शमेलो, मतलब सबसे 84 डिवाइसेस ही ऐसे हैं जिसमें हमारा ऐप रन कर सकेगा, ठीक है। तो हमको सबसे कम लेना है 4.4 किटकैट, ओके, सो ये 98% में हमारा, 98% डिवाइसेस में हमारा ऐप अब चल सकेगा, ओके। तो फिनिश पर क्लिक करने से पहले, फिनिश ये यहाँ पर जो फिनिश है, ठीक है, जब हमारा ये सब कुछ फिलअप हो जाएगा तो हमको फिनिश पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने से पहले मेक श्योर कि आपका एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा तो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सो अभी मेरा लैपटॉप एक्टिव इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट से अभी कनेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा, ओके, यहाँ पे मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब जस्ट वेट एंड वॉच, धीरे 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 आपका बिल्ड भी, बिल्ड रनिंग होगा, उसके बाद सिंक होगा सबसे पहले, फिर बिल्ड रनिंग होगा, ओके, यहाँ पे देखो सिंक हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे बिल्ड होगा, फिर अगर एक बार हो गया तो फिर आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर इट, सिंक हो गया और ये बिल्ड भी हो गया, ठीक है। अब आप अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, अब ये इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, ओके ओके। सो ये हो गया मेरा बिल्ड आउटपुट, ओके, ये सक्सेसफुली सारे के सारे ग्रीन टिक्स आ गए, मतलब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, ओके। अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर आपका किसी का भी बिल्ड या फिर सिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये क्लोज कर दो अभी, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जितना भी सेक्शन है, यहाँ से यहाँ पे होती है सारी हमारी फाइल्स, ओके, चाहे वो XML फाइल हो या फिर चाहे वो मेन कॉटलिन फाइल्स हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ग्रेडल बिल्ड होते हैं, ग्रेडल स्क्रिप्ट होती है, यहाँ से हम कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं ये वाली फाइल में, ओके, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ यहीं पर ही काम करेंगे। तो जावा वाला जो ये जो फोल्डर है जावा, ओके, यहाँ पर होती है हमारी ये वाला जो पहला वाला फोल्डर है इसमें जावा में, यहाँ पर होती है हमारी कॉटलिन फाइल, यही है मेन एक्टिविटी, ओके, मेन एक्टिविटी .kt, यहाँ से हम ओपन करते हैं। उसके बाद जो हमारी XML फाइल है, XML फाइल ये यहाँ पर होता है प्रीव्यू, प्रीव्यू में अभी देखो एक सेटिंग कर लो आप, यहाँ पे जो आई का मार्क है
इस यहां से कर लो शो लेआउट डेकोरेशंस। ये आ गया हमारा, यहां पर हमारा ऐप बार भी आ जाता है, ठीक है, और साथ में ये स्क्रीन तो होती ही है। उसके बाद रिसोर्सेस, ये तो जावा वाली फाइल का, ये जावा वाली फाइल में ये कॉटलिन वाली फाइल होती है, ठीक है। यहां से रिसोर्सेस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। रिसोर्सेस में ड्रॉएबल्स में जो होती है हमारी इमेजेस होती है सारी, ओके, इमेजेस होती है, और लेआउट में जो होती है हमारी ये फाइल होती है, लेआउट फाइल्स जितनी भी है, ये जो लेआउट है इसकी जो इसका जो कोड है ये होता है एक्सएमएल फाइल में, ओके। तो यहाँ पे लेआउट वाली फाइल में हमारी एक्सएमएल फाइल होती है। उसके बाद हमारे कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, तो सिम्बॉल्स जो होते हैं वो मिप मैप में होते हैं, ओके, और वैल्यूज में हमारा वैल्यूज में होते हैं हमारे कल ऐप के, देखिए ये कलर्स हो गए ऐप के, तो अभी हमारा जो प्राइमरी कलर है वो सिलेक्टेड है ग्रीन, ओके, जो व्हाट्सएप वाला कलर है, ठीक है, और प्राइमरी डार्क जो कलर है वो सिलेक्टेड है हमारा डार्क ग्रीन, ओके। उसके बाद होता है स्ट्रिंग्स, हमारी स्ट्रिंग्स जो होती है, अब हमारा जो ऐप का नाम है, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टोर है, ऐप का नाम है, या फिर जो भी हमको स्ट्रिंग स्ट्रिंग देनी पड़ती है, जो भी मतलब नाम है रहते हैं या फिर कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है ऐप में, तो सारी की सारी फाइल यहीं पर स्टोर होती है। हम डायरेक्टली यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोर किया तो मतलब एक गुड प्रैक्टिस है वो। उसके बाद स्टाइल्स, स्टाइल्स में यहाँ पर हम ऐप का सारी चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि उसको एक्शन बार चाहिए या नहीं, ओके। एक्शन बार मतलब देखिए ये जो होता है ये ऐप बार, इसको एक्शन बार बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन बार चाहिए या नहीं, ठीक है। उसका फिर कलर प्राइमरी कौन सा होना चाहिए, कलर प्राइमरी जो है तो हमारा जो कलर्स में कलर्स वाली फाइल में जो कलर प्राइमरी है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद प्राइमरी डार्क, फिर कलर एक्सेंट, या तो फिर हमको अगर कोई फॉन्ट, अगर डिफॉल्ट फॉन्ट अगर ऐप का देना होता है तो हम वो भी यहीं पर ही देते हैं, ठीक है। अगर देखो यहां से मैं डार्क एक्शन बार की जगह अगर नो एक्शन बार कर दूं, नो एक्शन बार कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो अभी देखो एक्शन बार हमारा नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहां से देखो एक्शन बार हमारा गायब हो गया। तो मैं फिर से इसको वापस कर देता हूं, कंट्रोल जेड, ओ सॉरी, ओके, तो मैं वापस से इसको डार्क एक्शन बार कर लेता हूं, नो एक्शन बार से, तो ये हो गया, वापस से डार्क एक्शन बार मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी वापस हमारी मेन एक्टिविटी में जाके देखते हैं, ठीक है, तो यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शो लेआउट डेकोरेशंस, ओके, तो अभी भी आया नहीं, डार्क एक्शन बार, ओके, सो हियर इट इज डार्क एक्शन बार, ओके, यहाँ पे ऐप बार हमारा वापस से आ गया। अब देखो जब हमने ये फाइल में एंटर किया था, ठीक है, अभी इसको तो सारे फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ये वाला हमारे पास ऐसा कुछ लेआउट आया था, ठीक है, तो ये वाला जो लेआउट है, हम जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो मतलब फंक्शनैलिटीज हम एंड्रॉइड स्टूडियो की यूज करते हैं, ठीक है, तो उस लेआउट को बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। मतलब अगर मेरे को बटन चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखो बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, फ्रेगमेंट है, स्क्रॉल व्यू है, स्विच है, ठीक है, तो अगर मेरे को बटन चाहिए सिर्फ सिंपल, मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो हम ऐसे करते हैं, ये जो लेआउट फ्रंट लेआउट जो बनाना है हमको, ठीक है, पर हमको ऐसे नहीं करना है, हमको इसको कोडिंग करनी है, इसमें वो मजा नहीं है जो हमारा कोडिंग वाला मजा है, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है जैसे हम फोटो एडिट कर रहे हैं, हम सीधे टेक्स्ट में जाएंगे, ये सारा जो डिफॉल्ट टेक्स्ट डिफॉल्ट चीजें है ये मैं सब का सब इसमें से निकाल देता हूँ, ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है रूट एलिमेंट जो सिलेक्टेड है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है, तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट में हमको काम नहीं करना है। कंस्ट्रेंट लेआउट में हम कब काम करते हैं, हम डिजाइन वाले पार्ट में काम करते हैं, ठीक है, तो हमको सीधे कोडिंग करनी है इसकी। तो ये जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी जो मेन एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी मेन मेन एक्टिविटी जो हमारी मतलब फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है,
एक्टिविटी मीन्स स्क्रीन, ठीक है, जो हमारी मेन स्क्रीन है, सबसे पहले हमारी ऐप खोलने पर जो स्क्रीन आएगी, ठीक है, तो वो ये वाली स्क्रीन होगी। तो इस वाली जो स्क्रीन है, ये वाली जो स्क्रीन है, ठीक है, तो इसका एक फ्रंट व्यू भी होगा कोई, तो वो जो व्यू होगा, तो व्यू को हम जब बनाते हैं तो हम एक्सएमएल वाली फाइल में काम करते हैं, ठीक है, और उस व्यू पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक बटन लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसमें बटन लूंगा तो उस बटन को क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम कोडिंग करते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी फाइल, ये वाली जो फाइल है, यहाँ पर हम कॉटलिन में कोडिंग करते हैं, ठीक है। एक्सएमएल बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आपको एचटीएमएल का थोड़ा सा भी लैंग्वेज होगा तो आप एक्सएमएल में आराम से कोडिंग कर सकते हो। और जो मेन एक्टिविटी जो डॉट के टी फाइल जो है, जो कॉटलिन वाली फाइल है, ठीक है, तो इसको हमको कोडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके, तो इसको हम कॉटलिन में कोड करेंगे। और इसमें वो वाली कोडिंग स्पेसिफाई करते हैं हम कि बटन को अगर क्लिक किए तो क्या होगा, इमेज को अगर दो फिंगर से हमने पिंच किए तो जूम इन होना चाहिए फिर जूम आउट होना चाहिए, ठीक है, अगर हमने स्क्रॉल किए तो स्क्रॉल मतलब कैसे होना चाहिए, ऊपर नीचे ऐसे, मतलब सारी जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको जो ऐप बनाना है वो हमको कॉटलिन फाइल में तो ज्यादा काम नहीं करना है, मतलब ना के बराबर ही करना है, ठीक है, हम सिर्फ एक्सएमएल में काम करेंगे अभी। तो हमको जो ऐप बनाना है सिंपल देखो, हमको कुछ इमेजेस ऐड करने हैं, सुपर हीरोज की कुछ इमेजेस ऐड करने हैं, सुपर हीरोज की इमेजेस ऐड करने के बाद उसका नाम लिखना है, ठीक है, उसके बाद हम उसके नीचे, अब इमेज के सामने हम तीन चीजें उसकी स्पेसिफाई करेंगे, उसका नाम दे देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद वो कौन से प्रोडक्शन हाउस से रिलेट करता है, ठीक है, कौन से प्रोडक्शन हाउस के अंडर में है वो वाला सुपर हीरो, ठीक है, उसके नीचे वो चीज डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये वाला जो कंस्टेंट लेआउट है इसको यहाँ पे इसको बैक कर दो, इसको डिलीट कर दो यहां से, ठीक है। अब मैं यहां पे ले लेता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है, यहां पे देखो ये सजेशन आ गया लीनियर लेआउट, ओके, तो मैं इसको करके इंटर मार देता हूं, ठीक है। तो लीनियर लेआउट क्या है, अगर हमको सारी चीजें एक लाइन से रखनी है, वर्टिकली रखनी हो या फिर हॉरिजॉन्टली रखनी हो, यानी एक के नीचे एक, सिंपल एक के नीचे अगर हमको सारी चीज रखनी है तो हम यूज करते हैं लीनियर लेआउट। और अगर हमको एक दूसरे से रिलेट करती हुई चीज रखनी है, यानी ये चीज अगर हमको ऐसे स्पेसिफाई करना है कि एक ये वाली अगर एक आयरन मैन की इमेज है, ठीक है, और उसके बाजू में आयरन मैन का नेम होना चाहिए, तो हम कैसे तो ऐसी चीज में, और अगर हमको ईमेल आईडी रखनी है आयरन मैन की वो इमेज के नीचे, ठीक है, नाम उसका इमेज के बाजू में, इमेज सेंटर में, और उसके नीचे हमको रखना है उसका ईमेल आईडी, ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं रिलेटिव लेआउट, ठीक है। तो ये देखो इसको बैक कर दो यहां से, यहां पे डालो कैपिटल आर ई रिलेटिव लेआउट, ओके, तो यहां पर मैंने रिलेटिव लेआउट चूज किया, यानी हम सारी जो चीजें लेआउट में रखते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हुई होती है कि इसके नीचे ये वाली चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर वो वाली चीज होनी चाहिए, उसके नीचे फिर बटन होना चाहिए, ऐसे हमको अगर रखना है तो हम सबसे पहले हम रूट एलिमेंट यहां पे चूज कर लेते हैं लीनियर लेआउट यहां पे मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको इमेजेस चाहिए अभी सुपर हीरोज के, ठीक है, तो इमेजेस हमको, अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो ड्रॉएबल वाला है ये रिसोर्सेस है, ठीक है, ये रिसोर्सेज जो फोल्डर है इसमें सब फोल्डर है ड्रॉएबल्स, तो यहां पर हमको पेस्ट करनी होती है इमेजेस, ओके, तो मेरे पास कुछ सुपर हीरोज की इमेजेस है यहां पर, इसको सिलेक्ट किया, यहां से कॉपी किया, ठीक है। अब सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करना है और यहां पर हमको पेस्ट करना है, ठीक है, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, यहां पर पेस्ट कर देना है, ओके, और इसमें से ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर देना है, यहाँ पे भी ओके कर देना है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी सारी के सारी इमेजेस आ गई, ओके, तो अब देखो अब कैसे काम करूंगा मैं, लीनियर लेआउट है हाँ, मतलब सारी की सारी चीजें एक के नीचे एक रखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को इमेज बतानी है, इस ये जो हमारी मेन स्क्रीन है, सबसे पहले ऐप को एंटर करते जो हमारी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, तो ये वाली मेन स्क्रीन पे हमको कोडिंग करनी है, तो हमको अभी क्या चाहिए, मुझे एक इमेज दिखानी है यहाँ पर, ओके, तो हमें क्या चाहिए, एक इमेज व्यू, यहां पर देखो एंगल ब्रैकेट ओपन, उसके बाद देखो यहां पर सारे के सारे सजेशंस तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सजेशन होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको कुछ ना कुछ टाइप करना है, आई एम ए, ठीक है, तो यहां पे आ गया हमारा सबसे ऊपर सजेशन इमेज व्यू। अब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ हमको स्पेसिफाई करना है, तो हम जो विड्थ स्पेसिफाई करेंगे वो डीपी में करेंगे, ठीक है, डीपी यूनिट है, ओके,
पिक्सल्स का। तो हम इसकी इमेज साइज ले लेते हैं, जो विड्थ है इमेज की वो ले लेते हैं 120 dpi, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो हाइट है वो भी ले लेते हैं हम 120 dpi, ठीक है। तो अब इसको इमेज व्यू को जो हमको क्लोज करना है, ये जो स्लैश है हमारा इसको बोलते हैं हम स्लैश, ठीक है। ये जो सिलेक्ट किया मैंने, ये स्लैश स्लैश अगर आप टाइप करोगे तो ये बाजू वाला जो एंगल ब्रैकेट जो क्लोज है, ये जो ये वाला जो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक इमेज व्यू आ गया, ठीक है, ये इमेज व्यू आ गया। अब इस इमेज व्यू में हमको कौन सी इमेज शो करानी है, तो इसका यहाँ पे हमको सोर्स देना पड़ता है। तो सिंपल टाइप करो अब यहाँ पे SRC, ठीक है। तो ये आ गया सबसे ऊपर हमारा SRC, अब उस पर ही है हमारा कर्सर, तो सीधे इंटर मार दो, ठीक है। अब यहां से हमको देना है इमेज व्यू, इमेज हमारी। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दे देते हैं हमारी कैप्टन की इमेज, कैप्टन। ये हमारी ड्रॉएबल में, ड्रॉएबल वाले फोल्डर में हमारी कैप्टन इमेज, ये वाली ड्रॉएबल फोल्डर में हमारी है, कहाँ पे है कैप्टन, हाँ यहाँ पे है ये कैप्टन इमेज, ओके। तो मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारी इमेज हो गई शो, आ गई सबसे ऊपर हमारी इमेज शो हो गई। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक लाइन में सारी की सारी चीजें अगर चाहिए हमको, तो लीनियर लेआउट चाहिए, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। तो यहां पर हमको हॉरिजॉन्टली लेना है, तो यहां पर हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन। तो ओ आर आई यहां पर आ गया सबसे ऊपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो हमको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ओके। अब यहां पे क्या करना है हमको कि अब ये जो इमेज है, ये सुपर हीरो का नाम क्या है, तो हमको वो नाम लिखना है। तो उसके लिए कौन सा व्यू लगेगा हमको, उसके लिए लगेगा हमको टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा उसका नाम, तो यहां पर एंगल ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कैपिटल टी, ठीक है। सबसे ऊपर आ गया हमारा टेक्स्ट व्यू, ठीक है, ये सबसे ऊपर हमारा टेक्स्ट व्यू, तो एंटर मारो, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ हम ले लेते हैं 120 dpi, ठीक है। और हाइट भी, हाइट जो ले लेते हैं हम उसकी ले लेते हैं 50 dpi, ओके। यहां पे मैं स्लैश टाइप करूंगा और एंगल ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद इसमें टेक्स्ट क्या लिखना है हमको, ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू तो हमारा आ गया, अब इसमें टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है हमको कैप्टन अमेरिका, ठीक है। तो इसमें हम एक और एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं टेक्स्ट, ठीक है। सबसे ऊपर है टेक्स्ट अलाइनमेंट, नीचे टेक्स्ट, उसके नीचे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, तो हमको चाहिए टेक्स्ट, एंटर किया। यहां पर मैं टेक्स्ट डालूंगा, कैप्टन अमेरिका, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो आ गया, पर वो छोटा क्यों है, हमने तो यहाँ पे जो हमने विड्थ और हाइट जो स्पेसिफाई किए थे वो तो हमने 120 dpi, मतलब इतने, और हाइट भी ज्यादा थी इसकी 50, तो मतलब इतना छोटा क्यों आया, ठीक है। तो हमने जो विड्थ और हाइट जो स्पेसिफाई किए थे वो हमने टेक्स्ट व्यू की स्पेसिफाई किए थे, ओके। हमने इस टेक्स्ट की स्पेसिफाई नहीं किए थे, तो ये जो टेक्स्ट व्यू हमारा इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कि रैप कॉन्टेंट, ओके, ये आ गया हमारा रैप कॉन्टेंट, ओके। उसके बाद फिर 50 dpi की बजाय हम लिख देते हैं यहाँ पर फिर से रैप कॉन्टेंट, मतलब जितना कॉन्टेंट की जितनी साइज होगी, ये हमारा कॉन्टेंट, ये कॉन्टेंट की जितनी साइज होगी वो उसको रैप कर लेगा, उतना ही टेक्स्ट व्यू की साइज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी हम इस टेक्स्ट की साइज स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट साइज, देखो यहां पर है एट्रीब्यूट टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज को सिलेक्ट किया मैंने, यहां पर लिख देता हूँ 50 sp, ठीक है। 50 sp हो गया, बहुत बड़ा, मैं क्या करता हूँ इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ, 25 sp। अब जो टेक्स्ट होता है हम उसका जो यूनिट प्रोवाइड करते हैं वो होता है sp, ठीक है। हम यहाँ पे dp में प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये इमेज, और इसकी आ गया हमारा यहाँ पर एक नाम, कैप्टन अमेरिका, ठीक है। ये इमेज किसकी है, कैप्टन अमेरिका की। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको हमको एक काम करते हैं, हम ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम स्टाइल, ये आ गया हमारा टेक्स्ट स्टाइल, यहां पे एंटर करो, बोल्ड है, इटैलिक है और नॉर्मल है। अभी जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल फॉर्म में है, तो हमको करना है इसको बोल्ड फॉर्म में,
ओके तो ये हो गया बोल्ड फॉर्म में। ओके अब हम इसका करते हैं कलर चेंज, तो यहाँ पे लिखो कलर, तो ये आ गया सबसे ऊपर टेक्स्ट कलर। ठीक है, अब देखो जो कलर हमको स्पेसिफाई करना होता है यहाँ पे हेक्स कोड में स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, हम एक तो हेक्स कोड में स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर जो हमारा प्राइमरी कलर है, जो प्राइमरी डार्क कलर है, या तो फिर कलर एक्सेंट है। ठीक है, जो प्राइमरी कलर होता है हमारा, ये जो एक्शन बार पे जो कलर है ये प्राइमरी कलर होता है, जो प्राइमरी डार्क कलर होता है वो यहाँ पे होता है सबसे ऊपर जो है। ठीक है, और कलर एक्सेंट मतलब एक एक्स्ट्रा का कलर हम उसमें ऐड करते हैं, कोई भी चीज को हम दूसरे यूज में लेने गए। ठीक है, तो हमको अब इसका तो स्पेसिफाई करना है हमको रेड कलर। ठीक है, अगर मेरे को रेड कलर डालना है तो यहाँ पे मेरे को हेक्स कोड लिखना पड़ेगा, तो हेक्स कोड हम ऐसे लिखते हैं, रेड कलर का हेक्स कोड है FF000। ठीक है, तो ये हो गया रेड। ओके, तो ये हेक्स कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप गूगल पे जाइए और यहाँ पर आपको कोई भी कलर का हेक्स कोड चाहिए। ठीक है, तो वो कलर का नाम डालिए और उसके आगे डाल दीजिए हेक्स कोड, तो आपको उसका हेक्स कोड मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कैप्टन अमेरिका का टेक्स्ट का कलर लाल। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसके नीचे एक ईमेल आईडी डालनी है, कैप्टन अमेरिका की ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो अब ईमेल आईडी कैसे डालेंगे, फिर से हमको टेक्स्ट लगेगा, टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे हम फिर से लेंगे टेक्स्ट व्यू, देखो वो सबसे ऊपर ही आ गया हमारा टेक्स्ट व्यू। ठीक है, फिर से हम रैप कंटेंट ले लेंगे, इसको भी हम फिर से रैप कंटेंट लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे स्लैश दबा के। ओके, ये हो गया क्लोज, क्लोज करना बिल्कुल भी नहीं भूलने का। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी डालेंगे हम टेक्स्ट डालना है सबसे पहले, टेक्स्ट, यहां से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, यहां पे हम डालेंगे कैप्टन अमेरिका @gmail.com। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे हमारी ईमेल आईडी आ गई, पर हमको तो ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसके, ये जो नाम है यहाँ पे, उसके नीचे हमको यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, फिर उसके नीचे चाहिए हमको वो कौन से प्रोडक्शन हाउस के अंडर है। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिया। ठीक है, लीनियर लेआउट लिए मतलब पहले हमारी सबसे पहले इमेज आ गई, अब हमने ओरिएंटेशन स्पेसिफाई किया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इमेज व्यू आ गई, हमने इमेज व्यू ऐड किया, तो ये इमेज व्यू ऐड किया, फिर हमने टेक्स्ट व्यू ऐड किया उसका नाम का। ठीक है, ये नाम ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमको अब जब इमेज व्यू करनी है तो हमको यहां पर करना है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं रिलेटिव लेआउट का यूज। ठीक है, तो मैं यहां से लीनियर लेआउट को निकाल देता हूं, यहां पर ले लेता हूं मैं रिलेटिव लेआउट। ठीक है, मैंने रिलेटिव लेआउट ले लिया। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे एक साथ यहाँ पे मिक्स हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो कैप्टन अमेरिका है, ये जो टेक्स्ट है, ये वाला कैप्टन अमेरिका वाला जो नाम है उसका, उसको हमको चाहिए इमेज के बाजू में। ओके, तो इमेज के बाजू में चाहिए, अब हमको ऐसा तो स्पेसिफाई कर नहीं सकते कि यहाँ पे कि हमको इमेज के बाजू में चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज व्यू की आईडी देना पड़ेगा, एक आईडी। ठीक है, ये आ गया सबसे ऊपर आईडी, इसको आईडी दिया, इसमें दो चीजें आती है कि एंड्रॉइड और एक ये प्लस आईडी, तो ये प्लस आईडी सिलेक्ट करो, अब यहां पर हमारी आईडी दे दो, तो आईडी दे देते थे, आईडी दे देते हम इसको इमेज ऑफ कैप्टन। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको आईडी स्पेसिफाई कर दिया है इमेज ऑफ कैप्टन। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट व्यू है हमको किसके बाजू में चाहिए, इस इमेज ऑफ कैप्टन के बाजू में। ठीक है, तो हम यहां करेंगे राइट ऑफ, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ये देखिए, लेआउट टू राइट ऑफ। ठीक है, हमको इमेज के बाजू में चाहिए, तो ये वाला एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, इमेज टू लेआउट टू राइट ऑफ, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू जो लेआउट है, इस लेआउट को मतलब हमको इस इमेज के बाजू में अलाइन करना है, तो यहाँ पे इसको एंटर मारो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये आ गया इमेज ऑफ कैप्टन। ठीक है, अब हमको ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलाइन हो चुका है इसके बाजू में, ये इमेज के बाजू में। ठीक है,
अब हमको जो ईमेल आईडी है, ये जो ईमेल है हमारी captainamerica@gmail.com, तो इस ईमेल को हमको इसके नाम के नीचे नीचे रखना है। ओके, तो इस नाम के नीचे अगर रखना है तो हमको फिर से इसको, ये जो नाम है इसका, ये जो नाम है, तो इसको हमको आईडी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आईडी, ठीक है, प्लस आईडी। उसके बाद हम इसको आईडी, इसको आईडी दे देते हैं कैप्टन नेम, ठीक है। तो ये हमने आईडी दे दी इसको कैप्टन नेम, ये हो गई इसकी आईडी। अब देखो ये वाला जो, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है, ये वाला, इसको, इस टेक्स्ट व्यू को हमको इस वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे रखना है, ठीक है। तो इसके नीचे अब एक और एट्रीब्यूट होता है बिलो, बिलो टाइप करो, ये देखो यहां पर आ गया लेआउट बिलो, लेआउट बिलो, यानी ये जो लेआउट है वो बिलो होना चाहिए किसके, वहां पे हमको आईडी स्पेसिफाई करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एक इमेज ऑफ कैप्टन के नीचे चाहिए या फिर कैप्टन नेम के नीचे चाहिए, तो हमको किसके नीचे चाहिए, कैप्टन नेम के नीचे। तो यहां पर मैं इंटर मार देता हूं, ठीक है। अब ये कैप्टन नेम के बाजू नीचे तो आ गई, लेकिन क्या हुआ कि ये इमेज को कोलैप्स कर रही है, ठीक है, ये मतलब इसके बाजू में नहीं आ रही, इमेज के बाजू में नहीं आ रही, ठीक है। अब एक और हम यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करके देखते हैं, टू राइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे टू राइट ऑफ, और यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे देते हैं हम इमेज ऑफ कैप्टन। तो देखिए ये आ गया हमारी इमेज के बाजू में। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर अलाइन करने के लिए इमेज के बाजू में और जो नेम है उसके नीचे हमको अलाइन करने के लिए क्या लगा, दो एट्रीब्यूट लगे, एक लेआउट बिलो और उसके नीचे लेआउट राइट ऑफ, ठीक है। तो लेआउट बिलो किसके, कैप्टन के नेम के नीचे, ठीक है, इसके नेम के नीचे, और टू राइट ऑफ इमेज ऑफ कैप्टन, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ये इसको, इसको जो इसने मतलब एक कलर स्पेसिफाई कर दिया है थोड़ा लाइट ऑरेंज टाइप से, ठीक है। तो ये मतलब यहां पर कुछ वार्निंग दे रहा है, आईडी हमको कुछ वार्निंग दे रही है। तो यहां पे क्लिक करो, यहां पे कर्सर लेके जाओ, ठीक है। तो ये होती है ये वार्निंग, ये हमको कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, एंड्रॉइड टू राइट ऑफ विद लेआउट टू एंड ऑफ। तो ये बोल रहा है कि हमको जो राइट ऑफ है तो इसको मतलब इसको चेंज करो, आईडी बोलती है कि इसको चेंज करो टू एंड ऑफ से, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं टू एंड ऑफ, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों भी चीज का मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है, तो बाजू में ही लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी मतलब आईडी को सही लगता है कि ये करना चाहिए, ये मतलब इसकी जगह पर ये रिप्लेस होना चाहिए, तो वो हमको करके देती है, ठीक है। तो यहां पर भी देखो इसको भी बैकग्राउंड कलर, वो इसको भी बैकग्राउंड कलर कुछ स्पेसिफाई कर रही है आईडी, ठीक है। तो यहां पर भी वो क्या बोल रही है, टू एंड ऑफ इंस्टेड ऑफ टू राइट ऑफ, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, इसको एंड ऑफ आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कलर, वो जो अंडर बैकग्राउंड कलर जो स्पेसिफाई कर रही थी आईडी, तो वो गायब हो गया, ठीक है। तो वो वार्निंग अभी गायब हो गई, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी वार्निंग आ रही है, ये जो टेक्स्ट है इस पर भी वार्निंग आ रही है। तो वो बोल रहा है कि हमको जो रिसोर्स स्ट्रिंग होती है, जहां जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये है वैल्यूज वाला जो फोल्डर है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स वाला जो एक फाइल है, ठीक है, तो इसमें वो बोल रहा है कि इसमें सिर्फ स्पेसिफाई करो, फिर उसका पाथ यहां पर दो, यहां पर उसका पाथ दो, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया मैंने, यहां पर देखो एक बल्ब वाला मार्क आ रहा है, तो यहां से इसको क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग रिसोर्स का जो नाम है वो यहां पे स्पेसिफाई करना है हमको, तो ये इसने खुद ही लिख के दे दिया कैप्टन अमेरिका, ठीक है, हम यही ले लेते हैं, ओके। और उसके बाद फिर यहां पे ओके कर दो। अब देखो जो हमने जो स्ट्रिंग दिए थे डायरेक्टली यहां पर कैप्टन अमेरिका, जो हमने डायरेक्टली लिख दिए थे, तो वो आईडी ये बोलती है कि डायरेक्टली यहां पर मत स्टोर करो, आप स्टोर यहां पे करो स्ट्रिंग वाली फाइल में। देखो अभी यहां पर स्टोर हो चुका है हमारा कैप्टन अमेरिका, पहले सिर्फ यही आ रहा था, हमारा ऐप का नाम आ रहा था यहाँ पे सुपर हीरोज, ठीक है। तो अभी यहां पर कैप्टन अमेरिका स्टोर हो चुका है, ठीक है, और उसका उस टेक्स्ट का नाम क्या है, ये वाला नाम है उसका। अब ये वाला, ये इसका जो पाथ है वो हम स्पेसिफाई करते हैं हम एक्सएमएल फाइल में, ठीक है, यहां पर, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर जो दे रहा था उसका लाइट ऑरेंज, आईडी जो दे रही थी, ठीक है, तो वो हमको अब नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और एरर सॉल्व। अब ये वाला एरर, ये भी एक टेक्स्ट ही है, ठीक है। अब इसको भी यहां पर क्लिक करो,
यहाँ पर बल्ब के मार पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स और सीधे सीधे ओके कर दो। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा एक और एरर रिजॉल्व। अब देखो हम ये जो ईमेल है ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसकी हम साइज बढ़ाते हैं, टेक्स्ट साइज। इसकी टेक्स्ट साइज हमने दिए थे 25 SP, ठीक है। अब हम इसकी क्या कर देते हैं, 15 SP कर देते हैं। बड़ी क्या? नहीं बड़ी, और बढ़ाना पड़ेगा, 20 SP कर दिया हूं मैंने। ओके, इंस्टीट ऑफ 15 SP वी हैव डन इट टू 20 SP। अब इसको हम क्या करते हैं, बोल्ड नहीं करते हैं। ओके, बोल्ड करेंगे तो फिर इसमें और इसमें कुछ मतलब चेंज नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको इसके नीचे क्या चाहिए, इसके नीचे हमको चाहिए कि ये जो सुपर हीरो है वो किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, मतलब कौन से वाले प्रोडक्शन हाउस से, ठीक है। तो हम इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू ले लिया, रैप कंटेंट, उसके नीचे इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट क्या ले लेता हूं, टेक्स्ट ले लेता हूं मैं मार्वल। ओके, तो ये जो यहां पर आ रहा है अभी, अब हम इसको भी हमको यहां पर लाना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लेआउट बिलो दिस ईमेल एंड टू एंड ऑफ दिस इमेज, ठीक है। तो हम अब इसके लिए हमको इस ईमेल को आईडी देना पड़ेगा, तो ये टेक्स्ट व्यू है, इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं हम इसको ईमेल ऑफ कैप्टन, ठीक है। अब इस वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसको हम किधर अलाइन करना है, इसको बिलो कैप्टन अमेरिका, बिलो ईमेल ऑफ कैप्टन अमेरिका। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बिलो, यहां पर देखो कैप्टन, ईमेल ऑफ कैप्टन, बिलो ईमेल ऑफ कैप्टन, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे तो आ गया पर इसके बाजू में नहीं गया, इमेज के बाजू में नहीं गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं, एंड ऑफ टू एंड ऑफ इमेज ऑफ कैप्टन। ओके, तो यहां पर देखो अब यहाँ पे ये अलाइन हो चुका है। ओके, ये हो चुका है यहाँ पे अलाइन। अब इसकी साइज बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी वो विजिबल नहीं है, टेक्स्ट साइज कर देते हैं हम इसकी अगेन 20 SP, ठीक है। अभी हो चुका है ये विजिबल, ठीक है। तो ये हमारी इमेज आ गई, उसके बाजू में कैप्टन अमेरिका उसका नाम आ गया कौन सा सुपर हीरो है, और उसके बाद उसका ईमेल आ गया, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन हाउस आ गया, ठीक है। तो ये अब हम क्या करते हैं, इसको ऐप को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो रन करने के लिए एक तो आप वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं, यहां से बनाना पड़ता है ओपन एवीडी मैनेजर करने का, ये हो गया। अब मेरा जो वर्चुअल डिवाइस बना हुआ है पिक्सल 3, ठीक है, उसका एपीआई है 28, ठीक है। अगर मेरे को दूसरा बनाना है तो आपको यहीं पर ही ऑप्शन दिखेगा, यहां पर कुछ तो भी एक बटन होता है उस पर क्लिक करके मतलब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाना है सिर्फ, पर उसका जो एंड्रॉइड का ओएस होता है वो 1 GB का होता है, ठीक है। तो सबसे बेटर तो यही है, देखो मेरा वर्चुअल डिवाइस ये है, ठीक है। ये मैं जब मतलब खुद के लिए प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं अपने जो खुद का जो स्मार्टफोन होता है उसको ही मैं उस पर ही रन करता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग के समय तो वो उस पर मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस बनाया है, ठीक है। तो आप सीधे जो अपना चार्जर का जो USB कनेक्टर होता है, ठीक है, डेटा केबल जो होता है उसको आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करो और मोबाइल में कनेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद सीधे यहाँ पर बता देगा आपको, पर सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में से USB डिबगिंग ऑन करना नहीं भूलने का, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा रन। अभी देखो यहाँ पर बिल्ड, ये हो रहा है बिल्ड, यहाँ से ये कुछ एरर दे रहा है, टेक्स्ट, 2 मिनट में ये एरर सॉल्व कर लेता हूँ। तो एरर ये है कि जो ये फाइल
का फॉर्मेट है, इमेजेस का फॉर्मेट है कुछ इमेजेस का, तो वो ये सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे ये JFIF है, ये वाला JFIF, सिर्फ इसको JPG या PNG में ही चाहिए, ठीक है। एक फ्लैश का है, एक्वामैन है, और ये एंटमैन, इनके जो फाइल फॉर्मेट है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया डिलीट। तो हम फिर से ट्राई करेंगे रन करने का, ये हो रहा है बिल्ड। थोड़ा टाइम लगता है इसको, फर्स्ट टाइम जब आप बिल्ड करते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हो, इंस्टॉल करते हो आपके मोबाइल में ऐप, तो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद फिर फास्ट हो जाता है थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे पहले के एक दो टाइम मतलब थोड़ा सा स्लो होता है। अभी ये हो गया बिल्ड, ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, अभी रन होगा और इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बना चुके हो, यहाँ पर हमारी इमेज आ गई, उसके बाद ये सुपर हीरो का नाम क्या है, कैप्टन अमेरिका, और उसके बाद फिर इसकी ईमेल आईडी, और यहाँ पर आ गया हमारा इसका प्रोडक्शन हाउस, ठीक है। तो अभी हमको और भी सुपर हीरोज की हमको इसमें जो है तो आईडी आईडीज बनानी है। ओके, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो ऐप है इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसका एपीके कहाँ गया, हाँ ये सुपर हीरोज हमारा एपीके, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये है। आप अगर मोबाइल में इंस्टॉल करोगे अपने तो सीधे आपको एपीके मिल जाएगा यहाँ से, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओके, सो ये आ गया आपका फर्स्ट एवर आपका एप्लीकेशन, तो इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया। अब हमको देखो, अब ये जो सारी चीजें हैं हमको इसको अरेंज करने के लिए कौन सा लेआउट लगा है, रिलेटिव लेआउट, पर इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हमको और भी आईडी स्पेसिफाई करनी है, जैसे कि आयरन मैन है हमारा, उसके बाद फिर हल्क है, तो उनकी स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा जो है ये एक जो आईडी है, ठीक है, तो ये हमको रिलेटिव लेआउट लेकर हमको बनानी पड़ी, ठीक है। पर ये रिलेटिव लेआउट से ये हो गया, बन गया, फिर एक और रिलेटिव लेआउट लेकर हमको कैप्टन अमेरिका की, सॉरी आयरन मैन की बनाना पड़ेगा, फिर एक और लेआउट लेकर हमको बनानी पड़ेगी सुपरमैन की, ठीक है, उसके बाद फिर हमको बनानी पड़ेगी हल्क की, ठीक है। तो अब रिलेटिव लेआउट लेकर मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, यहां पर ले लेता हूं मैं एक रिलेटिव लेआउट। ओके, तो रैप कंटेंट नहीं, इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको हमको फुल, ठीक है। तो देखो अभी जो हमारा है रिलेटिव लेआउट जो है यहां पर है, ओके, ये हमारा रिलेटिव लेआउट, तो ये जो है रिलेटिव लेआउट हमारा, तो ये अपनी जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वो इस कोने में ही कर रहा है, जैसे कि हमारे ये वाले लेआउट ने किया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो रूट एलिमेंट है हमारा इसको हम लेंगे यहाँ पे लीनियर लेआउट, यहाँ पे मैं ले लेता हूं लीनियर लेआउट। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर लेआउट, और जो हमने इस कैप्टन अमेरिका की जो आईडी बनाई थी यहां पर, ठीक है, ये जो मतलब एक टेक्स्ट व्यू है उसमें, सॉरी एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है, फिर से अगेन एक ईमेल के लिए टेक्स्ट व्यू है, फिर ऐसे अगेन है कि ये वाला उसके प्रोडक्शन हाउस के लिए टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। ये हमने बनाया था रिलेटिव लेआउट को बेस बना के, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे रिलेटिव लेआउट के अंडर में, यहां पर मैं ले लेता हूं एक रिलेटिव लेआउट। ओके, रैप कंटेंट यहां से मैं इसको कट कर देता हूं,
यहां से कट कर दिया। अब इसको क्या करता हूं मैं, जहां पे हमारा ये इसका कोड खत्म हो रहा है कैप्टन अमेरिका का, वहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए आ गया हमारा कैप्टन अमेरिका की आईडी। ठीक है, अब हम ये आईडी मतलब एक, जैसे हम लीनियर लेआउट में, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक के नीचे एक चीजें होती है। ठीक है, तो अब ये एक के नीचे एक हमारी मतलब ये जो सिंगल रो है, ये फॉर एग्जांपल हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट इसके नीचे आना चाहिए, तीसरा एलिमेंट इसके नीचे आना चाहिए, तो वर्टिकली हमारा एक के नीचे एक हमारे सारे एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने कह लिया यहाँ पे लीनियर लेआउट लिया। ठीक है, अब हमारा हॉरिजॉन्टल में तो चाहिए नहीं हमको, क्योंकि हमारा ये देखो ये वाला जो रिलेटिव लेआउट है ये साइड में जा रहा है। ठीक है, तो हम इसकी ओरिएंटेशन स्पेसिफाई कर देंगे हम वर्टिकल। ओके, तो अब हमने जब वर्टिकल स्पेसिफाई किया तो ये देखिए हमारा जो रिलेटिव लेआउट है यहां पर आ गया। ओके, ये आ गया हमारा रिलेटिव लेआउट। तो अब इस रिलेटिव लेआउट को हम क्या करते हैं, रैप कंटेंट हम इसकी विड्थ जो है स्पेसिफाई कर देते हैं, रैप कंटेंट ओके, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव लेआउट एक और बन गया। अभी हम बनाएंगे किसकी आईडी, हम बनाते हैं आयरन मैन की आईडी। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले लेते हैं एक इमेज, यहां पे इमेज व्यू ले लिया, रैप कंटेंट हाइड भी इसकी रैप कंटेंट, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। और यहां पर इमेज की जो सोर्स है आयरन मैन। ठीक है, ये वाली इमेज हमको चाहिए। तो ये आ गई हमारी इसकी इमेज, लेकिन ये इमेज जो है बहुत बड़ी है। ठीक है, तो वो अगर हम यहां पे स्पेसिफाई करेंगे रैप कंटेंट, ठीक है, तो रैप कंटेंट मतलब हमारी जो इमेज की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्क्रीन घेर लेगी। तो हमने यहां पर क्या किया था, हमने इसकी जो विड्थ है वो स्पेसिफाई किया था 120 dp by 120 dp हाइट एंड विड्थ। ओके, तो हम इसकी भी यहां पे क्या करेंगे, जो लेआउट विड्थ है इसको हम बैक कर देता हूं 120 dp। ओके, और इसकी भी कर लेता हूं 120 dp, हाइट जो है वो हो गया 120 dp और विड्थ जो हो गई 120 dp। ठीक है, अब देखो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों ही सेम दिख रही। ओके, अब देखो, अब सारी चीजें हमको सेम ऐसे ही स्पेसिफाई करनी है जैसे कि कैप्टन अमेरिका की थी। सबसे ऊपर हमको नाम लेना है, फिर उसके नीचे हमको लेना है उसका ईमेल और उसके नीचे उसका प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इस पर क्लिक करो, सीधे हम इसके कोड पे पहुंच जाएंगे, ये जो नाम है इसके कोड पे। अब एक काम करो, यहां से इसको कॉपी करो, यहां से कॉपी करते हैं, इसमें आते हैं, इसके कोड में आए थे अभी इमेज व्यू के बाद में, इमेज व्यू तो ले लिया हमने, तो यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं इसके नाम का टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैप्टन अमेरिका बोल के नाम। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसकी इमेज के लिए जो कैप्टन अमेरिका की आयरन मैन की जो आईडी है, आयरन मैन की जो इमेज है उसकी आईडी स्पेसिफाई करना है। तो इसकी हम आईडी देते हैं इमेज को, आईडी प्लस आईडी इमेज ऑफ आयरन मैन। ठीक है, तो ये दे दी हमने इसकी आईडी इमेज ऑफ आयरन मैन। ठीक है, ये जो इमेज है इसकी आईडी हो गई अब इमेज ऑफ आयरन मैन। ओके, अब यहां पे जो आईडी है टेक्स्ट व्यू की, इसके आयरन मैन नेम। ओके, अब ये देखो यहां पर लेआउट टू एंड ऑफ। ठीक है, तो किसके एंड पर चाहिए हमको ये लेआउट, इमेज ऑफ आयरन मैन, ये आ गई हमारा नाम, इस फोटो का नाम आ गया फोटो के बाजू में एकदम। ठीक है, अभी हमको देखो अभी इस नाम को चेंज करना है। ओके, ये कैप्टन अमेरिका लिखा है, तो अब देखो यहां पर मैं इसको बैक करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम स्पेसिफाई करते हैं ना नाम क्या होना चाहिए, तो यहां पर इसको मैं बैक कर देता हूँ पूरा, और यहां पर लिख देता हूं मैं आयरन मैन। ये देखिए आयरन मैन हमारा नाम आ गया यहाँ पे आयरन मैन। ठीक है, इस फोटो को, इस सुपर हीरो का नाम यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिए आयरन मैन। ओके, इसी तरह हमको सिर्फ एक बार हमने ये बना लिया, एक आईडी बना लिया।
ठीक है। तो इसके बनाने के बाद हमको सारी की सारी कोडिंग करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये ईमेल हमको इसके नीचे सेम ईमेल ये इसकी भी चाहिए, ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इसका जो कोड है, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये वाला जो नाम का जो टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आप ये इसमें क्लिक करोगे तो आपको पहचान में आएगा कि ये किसका कोड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज व्यू के इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये देखो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा ये। अगर मैं ये जो नाम है इसके कोड में अगर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ये देखो यहाँ पर आ गई इसकी ईमेल, ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसको वापस से वो चला जाएगा मेरे को, ये देखो यहाँ पर आ गया इसका ईमेल। अब इसमें मैं क्लिक करके इसके कोड में चला जाऊंगा, ओके, ये है इसका कोड। अब इसकी जो आईडी है, इसकी आईडी है ईमेल ऑफ कैप्टन, ये जो ईमेल आईडी है इसके कोड की जो आईडी है ये ईमेल ऑफ कैप्टन, तो हमको करना है इसको ईमेल ऑफ आयरन मैन, ओके। तो ये हो गई इसकी आईडी, ओके। अब इसको किसके नीचे रखना है हमको, बिलो, नहीं ये एकदम बाहर चला गया हमारा रिलेटिव लेआउट के बाहर ये चला गया, ठीक है। तो इसको हमको पहले रिलेटिव लेआउट के अंदर रखना है, ये जो हमारा इतना लेआउट है इसका, ये इतनी इसकी बॉर्डर है इस रिलेटिव लेआउट की, तो हमको इसको इसके अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, ये लेआउट के अंदर आ गया, ये इस लेआउट के अंदर आ गई ईमेल, और ठीक है। तो इस पर क्लिक करके मैं इसको कोड में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ बिलो लेआउट, बिलो किसके बिलो होना चाहिए, नेम ऑफ कैप्टन, नेम कहाँ गया हमारा आईडी, आयरन मैन नेम, हाँ ये इस पर मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया इसके नीचे, और इसको इमेज के बाजू में करना है हमको, ठीक है। तो टू राइट ऑफ या फिर टू एंड ऑफ, टू लेआउट टू एंड ऑफ, ठीक है। तो किसके बाजू में, इमेज ऑफ आयरन मैन के बाजू, ठीक है। ये आ गई हमारी यहाँ पर ईमेल आईडी भी, ओके। अब ये ईमेल आईडी जो यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो है कैप्टन अमेरिका एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, हमको ये नहीं चाहिए ईमेल आईडी, हमको ईमेल आईडी यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। इसको बैक कर लेता हूँ, ये जो दिया है यहाँ पे पाथ दिया हुआ है कि यहाँ पर इसकी ईमेल आईडी स्टोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल आईडी स्पेसिफाई करता हूँ, आयरन मैन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ये हो गई हमारी ईमेल आईडी, ओके। अब उसके नीचे मेरे को क्या चाहिए, इसका प्रोडक्शन हाउस, इसका भी प्रोडक्शन हाउस मार्वल ही है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लिया, रैप कंटेंट इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फिर टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ मार्वल, नहीं मुझे तो सारा का सारा सेम ही चाहिए ना, तो मैं इतनी मगजमारी कैसे करूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये वाला जो है इसको सिलेक्ट करके इसके कोड पे जाता हूँ, यह हो गया इसका कोड, इसको करता हूँ कॉपी, आता हूँ इस लेआउट में, इसके नीचे जाना है मेरे को, है ना। तो यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया, यहाँ पर मैं इसको उसके कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ मेरे को यहाँ पे आईडी चेंज करनी है कि किसको किसके बिलो चाहिए मेरे को, ये लेआउट बिलो ईमेल ऑफ आयरन मैन और लेआउट टू राइट ऑफ इमेज ऑफ आयरन मैन, इसकी इमेज के बाजू में चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आयरन मैन की आईडी हमारी बन गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो इसका कोड है, ये वाली जो इसकी जो आईडी का कोड है, यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ मैं, इसकी जो आईडी का कोड है ये है, इसको ये मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, ये कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज, और ये जो इसकी जो आईडी का कोड है उसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ क्लोज, यहाँ से कर दिया मैंने इसको क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज,
सो ओके सो हमारी ये दो आईडीज तो बन चुकी है, ठीक है, एक ये वाली, एक इस लेआउट में बनाए हमने और एक इस वाले रिलेटिव लेआउट में बनाए, ठीक है, इसको हमने क्लोज किया इस फोल्ड को, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिर से, ठीक है, एक इस लेआउट में बनाए हैं और एक इस लेआउट में बनाए हैं, इस वाले लेआउट में, तो इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। अब देखो हमको बाकी की भी सारी आईडीज बनानी है, ठीक है, बाकी की ये इतना जो एक एलिमेंट है इतना ये सारा हमको बनाना है, ठीक है, तो हमारा कैप्टन अमेरिका का हो गया, उसके बाद फिर आयरन मैन का हो गया, ठीक है, हमारा बाकी है बैटमैन, ब्लैक पैंथर, उसके बाद फिर हल्क का बाकी है, उसके बाद फिर बाकी हमारा विजन, सुपरमैन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छह आईडीज हमको फिर से बनाना है, ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट से काम करते हैं, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहां से, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये नीचे लीनियर लेआउट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको इस कोड को बंद कर देता हूँ, ओके, अब इसको जो मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सीधे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब मेरे को कुछ कुछ ही चीजें चेंज करनी है, ठीक है, जैसा मैं अगर ये इमेज के कोड में हूँ तो यहाँ पे मेरे को इमेज का सोर्स बदलना है, ठीक है, ये SRC ये सोर्स की जगह मैं डाल देता हूँ, अभी मैं बना देता हूँ इसको बैटमैन के लिए, ये आ गया बैटमैन, ठीक है, इमेज चेंज हुई नहीं, आ गई, ये बैटमैन की इमेज आ गई, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसकी आईडी चेंज कर लेता हूँ, इमेज ऑफ बैटमैन, ठीक है, उसके बाद फिर ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट की आईडी, इस टेक्स्ट की आईडी क्या है, आयरन मैन नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैटमैन नेम, बैटमैन नेम, ठीक है, उसके बाद लेआउट टू एंड ऑफ इमेज ऑफ बैटमैन, बैटमैन की इमेज के एंड पर ये हमारा नाम होना चाहिए, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा उसके नीचे है ईमेल आईडी का, ठीक है, तो ईमेल ऑफ यहाँ पर लिखा है, आईडी इसकी बनी हुई है ईमेल ऑफ आयरन मैन, तो इसकी आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, ईमेल ऑफ, देखो पढ़ लो एक बार आप, ईमेल ऑफ बैटमैन, ठीक है, उसके बाद फिर लेआउट बिलो, ये जो ये वाला जो एट्रीब्यूट है लेआउट बिलो, ठीक है, तो अब मेरे को किसके नीचे चाहिए ये बैटमैन के नेम के नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसकी यहाँ से आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ गई हमारी ईमेल नीचे और उसके बाद फिर नाम के नीचे तो आ गई, उसके बाद फिर लेआउट टू एंड ऑफ किसके इमेज ऑफ बैटमैन के नीचे चाहिए आईडी, कौन से आईडी के नीचे चाहिए, इमेज ऑफ बैटमैन के नीचे, सॉरी बैटमैन के बाजू में, ओके, तो ये हमारा नाम आ गया, ये ईमेल आईडी आ गई, उसके नीचे फिर हमको चाहिए अब उसका प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस किसके बिलो चाहिए हमको, बैटमैन के ईमेल आईडी के नीचे, उसके बाद फिर किसके बाजू में चाहिए, बैटमैन के इमेज के बाजू में, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, सबका सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया, अब देखो इसके हमको सिर्फ नाम चेंज करने हैं, ठीक है, ये आयरन मैन का हमको कर देना है यहाँ पे बैटमैन, बैटमैन हो गया, देखो बैटमैन, उसके बाद फिर ईमेल, ईमेल को हमको चेंज करना है यहाँ पे सिर्फ batman@gmail.com, उसके बाद फिर इसका प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन हाउस है इसका डीसी, डीसी, ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हाउस का नेम, ओके, मैं सोच रहा हूँ इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दूँ, इसको कर देता हूँ मैं 25 SP, ओके, इसको भी 25 SP, इसको भी कर देता हूँ मैं 25 SP, ओके, सो ये हो गया सारा, सबसे पहली आईडी आ गई कैप्टन अमेरिका की, उसके नीचे आयरन मैन की, उसके नीचे फिर बैटमैन की, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब कुछ, अब यहाँ पे थोड़ी जगह नीचे और जगह बाकी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन
के और ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो का भी पॉज करता हूँ, उसके बाद फिर सारा जब एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आप फिर मैं वीडियो को रिज्यूम कर। ओके, सो मैंने अभी एक और वीडियो रिज्यूम किया और एक और मैंने यहाँ पर एक और आईडी ऐड कर दी, ठीक है। तो इस बार मैंने आईडी ऐड की है सुपरमैन के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो ये नाम को चेंज कर लेता हूँ, बैटमैन की जगह कर लेता हूँ मैं यहाँ से सुपरमैन सुपरमैन हो गया। उसके बाद इस ईमेल को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से superman@gmail.com। उसके बाद फिर इसका प्रोडक्शन हाउस तो डीसी है, ठीक है। तो मैंने एक और ऐड कर लिया अब, लेकिन मैंने यहाँ पर इमेज का पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो इमेज का पाथ क्या है हमारा, ड्रॉएबल में है सुपरमैन, ठीक है, ये है। तो इमेज के कोड में जाऊँगा मैं यहाँ से src, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाले पाथ को, यहाँ पर डाल के देखता हूँ मैं सुपरमैन आ गया। हाँ ये देखो, ये आ गया हमारा सुपरमैन नाम से जो हमारा इमेज था यहाँ पे, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ एंटर। ओके, तो ये देखो मेरी सुपरमैन की इमेज आ गई, ठीक है। तो मैंने इतने तो कर लिया हूँ, ठीक है, फिर से मैं इसको क्लोज कर दूंगा, आप इसके सारे कर लो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आप बाकी के भी सेम जब मैंने फर्स्ट वाला आईडी बनाया था, ठीक है, तो उसको आप उसके बाद आपको आप वीडियो पॉज करो, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो तीनों हैं आप खुद से बना के देखो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर नहीं बनते हैं तो फिर मैं आगे का वीडियो देखो आप। ओके, तो यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ और सारे के सारे जितने बाकी है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पैंथर बाकी है, उसके बाद हल्क बाकी है, ठीक है, उसके बाद विजन बाकी है, तो ये जो तीन चार जो सुपर हीरोज बाकी है तो उसको आप इसमें ऐड करो खुद की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, करीब करीब एक घंटे का वीडियो हमारा हो चुका है। ओके, तो कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी हो इंस्टॉल करने में, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने में, या तो फिर आपके बिल्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो आप मेरे को बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसको डेकोरेशन को लेके, ठीक है। ये कैसा है अभी थोड़ा सा, एक बार फिर भी हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे डिवाइस पर। अब ये पुराना ही है, बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, देखो लोडिंग हो रही है। जस्ट वेट वेट एंड वेट वेट वेट, हाँ हो गया, ठीक है, ये अब ये इंस्टॉल होगा। ओके, ये बंद हो गया जो पुराना वाला ऐप था, फिर से अपडेट होगा। हाँ ये आ गया हमारा ऐप, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन लोड हो गई, इमेज उनके नाम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं कि ये जो इमेजेस जो खराब दिख रही है यहाँ पे, इसकी गैप दिख रही है, ठीक है, उसके बाद एकदम चिपके चिपके हुए, एकदम मतलब नजदीक नजदीक अच्छे नहीं दिख रहे, ठीक है, उसके बाद इनके जो ईमेल है ये मारो, ये जो ऊपर वाला जो कलर है ग्रीन वाला वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, इमेज को हम ऐसा करेंगे कि सर्कल वाली मतलब राउंडेड इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो गैप्स थोड़ी मतलब गैप से देगी उसको, और उसके बाद जैसे कार्ड बना के इसको हम लोग मतलब पूरा डेकोरेशन वाला जो काम है, फॉन्ट्स वगैरह जो भी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड वाला जो पार्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, गुड बाय।